शुभांकर मिश्रा जी वाला जो ब्रॉडकास्ट था, अगर दुनिया ने अगर देखा है तो सिर्फ इसलिए देखा है क्यों खेसारी के बारे में क्या बोले। पाता है खेसारी दिल का गंदा नहीं है, बस कुछ लोग साथ में रहते हैं उंगली कर देते हैं, बस वो लाइव आकर हर बार बोल देते हैं। पवन सिंह आपके लिए कभी नहीं खड़ा हुए, खड़ा नहीं हुए। आप किसी भी स्टेज पे बता दीजिए जो खेसारी की तारीफ करते नजर आए या मेरा नाम लिए कि मुझे गाली देने वाले, मेरे माँ को गाली देने वाले, मेरे बच्चों को गाली देने वाले, मेरे फैमिली को टारगेट करने वाले लोग उनके साथ रह रहे हैं और उनका रिएक्शन एकदम उनके साथ बहुत प्यारा है। इसका मतलब मैं क्या समझूंगा, मैं तो यही समझूंगा ना कि भाई वो, इसका मतलब वो नहीं बोलते हैं लोगों से बुलवाते हैं, तो मैं भी उनको कंपटीटर थोड़ी मानता हूँ। पवन सिंह को आप कंपटीटर नहीं मानते? नहीं सॉरी, मैं क्यों मानूंगा उनको कंपटीटर? वो गायकी के अलावा उनके पास है क्या जो मैं उनको कंपटीटर मानूंगा? नहीं तो मैं तुरंत हटा दूंगा, एक मिनट के अंदर मुझे टाइम नहीं लगेगा, उठा के फेंक दूंगा मैं। पुरी के दो दिग्गज कलाकार खेसारी लाल यादव और पवन सिंह, इन दोनों के बीच में जो है हर एक छोटे छोटे इंटरव्यू में विवाद हो जाता है। शुभांकर मिश्रा के पॉडकास्ट में जब आप गए थे तो शुभांकर मिश्रा ने आपसे पूछा कि पवन और खेसारी का क्या रिश्ता है, आपने कहा बाली और सुग्रीव का, क्या रिश्ता है आप दोनों का? देखिए वो विचारधारा के ऊपर आप रिश्ता तय कर सकते हैं कि उनका विचारधारा किस धारा में जाता है, मेरा विचारधारा किस धारा में जाता है, या हम रियली हम रामायण के हिस्से हैं और हमको लगता है कि बाली सुग्रीव वाली हमारी भाईचारा है। कौन बाली कौन सुग्रीव ये तो जनता तय करेगी कि किसका विचारधारा कितना प्यारा है और किसका विचारधारा कैसा है, आपसे कौन औरतों का सम्मान करता है, कौन औरतों का सम्मान नहीं करता है, कौन किस बेस पे जीता है, कौन किस बेस पे जीता है, तो वो तो जनता के ऊपर है। जहाँ भाई कौन क्या है कैसा है तो वो तो जनता तय करेगी कि कौन बाली और कौन सुग्रीव। वो मेरे बड़े भाई हैं और हमेशा बड़े रहेंगे और आजीवन उनका हमेशा सम्मान मेरे जीवन में हमेशा रहेगा। बट मुझे लगता है कि जिस जगह पे मैं हूँ आज, नीतीश चाचा और लालू चाचा एक दूसरे से मिलते हैं तो मिलते हैं, बट जहाँ लड़ाई जनता के लिए होती है, जहाँ कला की होती है, जहाँ पे लगता है कि नहीं यार मैं भी तो इस दुनिया में हूँ तो मेरा भी तो अस्तित्व है, तो जहाँ लगता है कि नहीं उनके उनके समर्थक अगर मुझे गलत बोलते हैं तो मेरे समर्थक भी उनको गलत बोलते हैं, वो मुझे गलत बोलते हैं तो मैं भी उनको गलत बोलता हूँ। क्योंकि देखिए बचाव तो हर आदमी को करना पड़ेगा। अगर आप हमारी भोजपुरी में वो कहावत कह जला कि सच बात झूठ हो जाला चुपचाप के रहला से, झूठ बात सच हो जाला बार बार के कहला से, तो बार बार दुनिया जब ये कहेगी कि नहीं खेसारी ऐसा है खेसारी ऐसा है, तो कल चल के पूरी दुनिया इस बात को मान ही लेगी कि हाँ खेसारी गलत ही है। इसीलिए मुझे कभी कभी बोलना पड़ेगा। बाली और सुग्रीव का रिश्ता है लेकिन बाली कौन है सुग्रीव कौन है ये नहीं पता? नहीं ये तो जनता ही तय करेगी ना। शुभांकर मिश्रा के पॉडकास्ट में जो है खेसारी लाल यादव के बाद पवन सिंह पहुंचते हैं। शुभांकर मिश्रा का एक सवाल होता है कि जो है कंपटीटर कौन है पवन सिंह का, वो कहते हैं कि खेसारी लाल यादव मेरे मित्र नहीं भाई हैं, पवन सिंह कहते हैं, लेकिन मैं खेसारी लाल यादव को अपना कंपटीटर नहीं मानता हूं। आप उनको अपना कंपटीटर मानते हैं क्या? नहीं। आप पवन सिंह को अपना कंपटीटर नहीं मानते? नहीं। सबसे बड़ी चीज देखिए वो मैं भी उनको बड़ा भाई ही मानता हूं, लेकिन जहां पे लड़ाई होती है तो मैं कोशिश करता हूं कि उनसे हर चीज बेहतर करूं और वो भी पता नहीं कोशिश करते होंगे। आपने कहा कि मैंने उनसे बढ़िया बॉडी बनाई, उनसे बढ़िया गाया, फिर इसके बाद उनके सामने बैठा, फिर मैंने कहा कि अब हम दोनों बराबर, हम दोनों राजा हैं। नहीं देखिए मेरे कहने का मतलब कि मैं भी सुना शुभांकर जी का, क्योंकि देखिए शुभांकर मिश्रा का जवाब देना मामूली बात नहीं है, बहुत खोपड़ा होना चाहिए शुभांकर मिश्रा को झेलने के लिए, क्योंकि शुभांकर मिश्रा नेचर से भी बड़ी रीच है, जाति से भी बड़ी रीच है और पढ़ाई लिखाई से भी बहुत रिच है। तो उनके शब्दों में एक बात तो है, जो उस आदमी को बर्दाश्त करना बहुत कठिन काम है और बहुत खोपड़ा होना चाहिए उनका जवाब देने के लिए। और मेरे से जब सवाल पूछे गए तो मैंने अपने मुझे लगा जी मैं समाज से जब जुड़ा हूँ और मैं फ्लाइट पकड़ के मुंबई नहीं गया, मुझे लगता है कि मैं सफर करके मुंबई गया हूँ और दुनिया के दिल में अपनी जगह बनाई तो मैं सफर करके बनाई। जहाँ तक कंपटीटर का सवाल है कि मुझे कंपटीटर नहीं मानते तो मैं भी उनको कंपटीटर थोड़ी मानता हूँ। पवन सिंह को आप कंपटीटर नहीं मानते? नहीं सॉरी, मैं क्यों मानूंगा उनको कंपटीटर? वो गायकी के अलावा उनके पास है क्या जो मैं उनको कंपटीटर मानूंगा? विषय वहाँ है ही नहीं, विषय यहाँ है कि मेरे बड़े भाई हैं और बड़े भाई हमेशा रहेंगे और बड़े भाई के तौर पर हमेशा उनका सम्मान रहेगा। लेकिन जहाँ तक रही हम लोगों की जहाँ जिस क्षेत्र में है तो हम जब भी मिलते हैं तो मैं आज भी उनका पांव छूता हूं तो छूता हूं, इसमें कोई ये मेरा संस्कार है, उस आदमी का पांव छूना मेरा संस्कार है। करे कि वो अगर पवन सिंह नहीं भी होते तो भी मैं उनका पांव छूता क्योंकि वो मेरे से बड़े। करे वो दिल के बस बड़बड़ाता है खेसारी, दिल का गंदा नहीं है, बस कुछ लोग साथ में रहते उंगली कर देते हैं, बस वो लाइव आकर हर बार बोल देते हैं। नहीं लाइव में उनके लिए कभी नहीं आया,
मैं उनके लिए कभी गंदा बोला भी नहीं, मैं उनके लिए हमेशा सम्मानजनक मेरे शब्द रहे हैं। मुझे लगता है कि देखिए आपके साथ रहने वाले चाहे खेसारी के साथ रहने वाले कोई भी लोग हो, अगर उनको अरे कुत्ता कमी ना कहें तो खेसारी को एक बार समझ में तो आना चाहिए कि यार बड़े भाई हैं और उनको कोई कुत्ता कमीना या गंदी शब्दों का इस्तेमाल कर रहा है, तो एक बार खेसारी को विचार तो करना पड़ेगा या अपने लोगों को डांटना पड़ेगा कि भाई देखो मेरा बड़ा भाई है और आप ऐसे शब्द का इस्तेमाल आप नहीं कर सकते, नहीं तो मैं तुरंत हटा दूंगा, एक मिनट के अंदर मुझे टाइम नहीं लगेगा, उठा के फेंक दूंगा मैं। कि मुझे गाली देने वाले, मेरे माँ को गाली देने वाले, मेरे बच्चों को गाली देने वाले, मेरे फैमिली को टारगेट करने वाले लोग उनके साथ रह रहे हैं और उनका रिएक्शन एकदम उनके साथ बहुत प्यारा है, इसका मतलब मैं क्या समझूंगा? मैं तो ये समझूंगा ना कि भाई वो इसका मतलब वो नहीं बोलते हैं, लोगों से बोलवाते हैं क्योंकि वो मेरे बड़े भाई हैं। तो ये बात उनको भी समझ में आना चाहिए कि नहीं वो मेरा छोटा भाई है और मेरे साथ रहने वाले लोग खेसारी लाल यादव को कुछ भी बोलते हैं और वो बर्दाश्त करते रहते हैं और उसको मजा लेते हैं वो, अब बोलने के बाद भी उनके साथ दिखते हैं वो, तो मुझे वो बुरा लगता है तो उसपे मैं रिएक्ट कर जाता हूँ और उसमें थोड़ी सी चीजें हो जाती है तो भाई मैं भी कितना दिन बर्दाश्त करूंगा। अगर घर का गार्जियन है, उसका बच्चा अगर गलत कर रहा है और गार्जियन को पता ही नहीं होगा, गार्जियन को पता नहीं होता है जी उसका बच्चा क्या कर रहा है, उस पे मुझे बुरा लगता है कि आप कम से कम उनको डांटिए क्योंकि कम से कम उनके शब्दों का चयन हो, क्योंकि वो आपके साथ रहते हैं। तो देखिए गलती कौन करता है, लोग कहे ना कि खेत खाए गधा जुल्हा पिटाला, तो गधा खेत खा लेगा लेकिन जुल्हा को समझ में आएगा कि हाँ भाई ये गलती गधा की थी, जुल्हा पिटा गया। तो वो चीजें मैं कहता हूँ कि उस पे कंट्रोल करना चाहिए। भोजपुरी के दो ही नाम चर्चित हैं आज के दिन में, खेसारी और पवन। खेसारी जी कहते हैं कि हम पवन को अपना कंपटीटर नहीं मानते, पवन जी कह रहे हैं हम अपना कंपटीटर नहीं मानते, लेकिन दुनिया के नजर में, श्रोताओं की नजर में ये एक दूसरे के जो है पूरा का है, यानी कंपटीटर है, इनके बिना उनकी नहीं चलेगी, उनके बिना इनकी नहीं चलेगी, मतलब एक दूसरे के कंपटीटर है, फिर भी ये एक्सेप्ट नहीं करते हैं। आज भी अगर मैं शुभांकर मिश्रा जी वाला जो ब्रॉडकास्ट था, अगर दुनिया ने अगर देखा है तो सिर्फ इसलिए देखा है क्योंकि खेसारी के बारे में क्या बोले, इस बात को आप मानते हैं कि नहीं? आप मानते हैं कि नहीं? बिल्कुल, जाहिर सी बात है कि जब दो लोगों की चर्चा होगी तो दोनों श्रोता लोग देखेंगे। मैं वही कह रहा हूँ ना कि लोग इसलिए देख रहे होंगे कि खेसारी के बारे में उन्होंने क्या बोला, इसलिए दुनिया उसको देख रही होगी। मैं कुछ बोलता हूँ तो दुनिया इसलिए देखती है कि उनके बारे में खेसारी ने क्या बोला। तो इसे देखिए सबसे बड़ी चीज, जैसे आज लालू चाचा कुछ बोलते हैं तो अब इसलिए दुनिया की नजर में एक चीज तो होती है कि नीतीश जी के बारे में क्या बोले, तो नीतीश जी के भी लोग उसको देखते हैं ताकि नीतीश जी के बारे में कुछ गलत तो नहीं बोला ताकि हमारी प्रतिक्रिया आ जाए। अगर नीतीश जी कुछ बोलते हैं तो लालू जी के लोग इसलिए देखते हैं ताकि लालू जी के बारे में कुछ नीतीश जी ने बोला है कि नहीं बोला है, इसलिए दुनिया देखती है। तो देखिए एक दोनों बड़े भाई छोटे भाई का है वो रिश्ता, तो देखिए रिश्ते तो रिश्ते हैं बट जहां काम की बातें हैं तो मुझे लगता है कि वहां पे हम रिश्तों के हटके अपनी जनता के लिए, मैं अपनी जनता के लिए, उनकी अपनी जनता और भोजपुरी के लिए, खास करके भोजपुरी के लिए। पवन सिंह के पास गायकी नहीं होती तो कहां होते आज? अभी तुमसे ही पूछिएगा तो बताएंगे, लोग बताएंगे, ठीक है उनका अपना जीवन तरीका है, उसके लिए मैं कुछ नहीं। ज्यादा आप मानते हैं उनको या वो आपको मानते हैं? देखा कि बड़ा विवाद रहता है, बड़ा ब्रेकअप रहता है, फिर भी आप दोनों के बीच में पैचअप हो जाता है। आप चुनाव चले गए थे उनके वोट मांगने के लिए, समर्थन भी किए, हेलीकॉप्टर में दोनों भाई घूम रहे थे। कभी खड़ा नहीं हुआ पवन सिंह आपके लिए, कभी नहीं खड़ा नहीं हुआ। आप किसी भी स्टेज पे बता दीजिए जो खेसारी की तारीफ करते नजर आए या मेरा नाम लिए, जब पिताजी का देहांत हुआ था तभी मेरे मन में था कि वो मेरे बाप हैं और मैं उनके गांव पे गया था, उनके घर पे गया था, उनके चुनाव में भी मैं गया था, तो मेरा श्रद्धा है, मैं हमेशा अपने भाई को तो बड़ा होते जब वो आपकी तारीफ नहीं करते तो आप उनके चुनाव में कहे चले जाते हैं? नहीं देखिए वो मेरा विषय है, वो मेरा निचर है, वो मेरा विषय है, वो मेरा एक संबंध है और उस संबंध को मैं हमेशा निभाने की कोशिश करूंगा। उनको जब भी जरूरत खेसारी को पड़ेगी तब मैं उनके साथ खड़ा हूँ, लेकिन मेरे कभी जरूरत में ना उनको मैं रखता हूँ और ना ही कभी मेरी जरूरत है वो उनके लिए, कभी वो मेरे लिए दो शब्द बेहतर नहीं बोल सकते, मैं जानता हूँ बातें, बट ठीक है उनका अपना विचारधारा है, उसके लिए मैं वो दोषी नहीं है। उनको जो बोलने आता है बेचारे बोलते हैं, उनको जो भाव समझ में मेरे लिए आता है वो प्रकट करते हैं, तो मैं कोई जरूरी नहीं है कि बेवा मिठाई किसी को खिलाना है। जब साथ मिलते हैं तो पैचअप हो जाता है, दूर जाते हैं तो ब्रेकअप हो जाता है। पैचअप और ब्रेकअप की बात नहीं है, हम जब साथ रहते हैं तो हम ऐसा थोड़ी फाइटाफाइटी करने जाते हैं हम तो जाते हैं एक भाई के नाते, हम एक छोटे भाई के नाते, वो बड़े भाई की तरह हमेशा मेरे से मिलते हैं और उन्होंने हमेशा मेरा सम्मान किया है। जब भी मैं उनसे मिला हूँ उन्होंने, मैं पैर तो छूता जरूर हूँ लेकिन उन्होंने कभी छूने भी नहीं दिया मुझे, उठा तुरंत गले उठा के बीच रास्ते से ही उठा के गले लगा लेते हैं कि बैठ पगला। तो वो इस मामले में मुझे हमेशा सम्मान हुआ। तो इतना आपके सामने आपको मानते हैं, गले लगा लेते हैं, पैर नहीं छूने देते हैं, तो किसी मंच पर तारीफ कह नहीं करते हैं खेसारी लाल यादव की? खेसारी लाल यादव बड़ा ना हो जाए इसलिए तारीफ नहीं करते? नहीं, उनके कहने से मैं बड़ा थोड़ी हुआ हूँ, नहीं कहेंगे तभी मैं बड़ा हूँ और वो कहेंगे तभी मैं बड़ा हूँ।